सरदर्द हो रहा है और अगर आप यहाँ पे रहे तो सर फट जाएगा इलायची जी, इसलिए अच्छा ही होगा कि आप चली जाएं। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ही बताइए, मान लीजिए कि आप सिंगल होते। इसमें मानना क्या है, वो तो हम हैं। आप, हमारे कहने का मतलब ये है कि इस दुकान में हम सिंगल हैं, दुकान सिंगल, सिंगल दुकान, उस तरह। ओह जी, तो मान लीजिए कि असल जिंदगी में भी आप सिंगल होते और अगर आपको किसी को प्रपोज करना होता तो कैसे करते? इलायची जी, लेकिन हम ऐसी बात क्यों मानेंगे जिसकी कोई संभावना नहीं है? अगर हमारी सिंगल होने की संभावना नहीं है तो हमारी प्रपोज करने की संभावना नहीं, लेकिन इस बात की संभावना जरूर है कि हम अभी इसी वक्त सेठ जी को जोर से चिल्ला के यहाँ पे बुलाएं और फिर वो आपको भगा दे। आप पापा को नहीं बुलाएंगे जीजा जी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत धासु चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जीजा जी प्लीज हैव अ लुक। इलायची जी, ये तो हमें अब, इलायची जी प्लीज ऐसा मत करिए। जी बिल्कुल, ये आप ही है जो पापा का समोसा चुरा रहे हैं। अब सोचिए, पापा जब ये देखेंगे तो उनके अंदर तो आग ही लग जाएगी कि अभी तो ये मेरा समोसा चुरा रहा है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या चुराएगा। फिर इन केस बाय चांस उनके आग नहीं लगे तब क्या होगा? तो हमारी नौकरी बच जाएगी इलायची जी। नहीं नहीं, नौकरी तो पक्का जाएगी, हो गया ना, आग नहीं लगी तो मैं हूं ना आग लगाने वाली, वो हूं ना मैं बहुत बड़ी वाली माचिस हूं। वो तो हमें पता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इलायची जी आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप बस ये सीढ़ी को मत दिखाइएगा प्लीज प्लीज। नहीं दिखाएंगे, पर पहले आप ये मानिए कि आप सिंगल हैं, मानेंगे ना? बाहर में गई पिंटू, कौन पिंटू, कैसी पिंटू, हम सिंगल हैं। परफेक्ट जी, अब मुझे प्रपोज कीजिए। इलायची जी, अब ये अपना कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, सरासर ब्लैकमेल कर रही हैं अब आप। मतलब इतनी सी बात जाने के लिए इतना वक्त लगा दिया आपने जीजा जी, व्हाट इज दिस? हैं जी? हैं जी, मैं जी कुछ नहीं, अब जल्दी से शुरू हो जाइए, अगर पापा आ गए ना तो आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है इलायची जी, हम करते हैं आपको प्रपोज, हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपसे शादी करना चाहते हैं और बस हो गया। क्या बस हो गया? जब से हमने आपको देखा हम नहीं रहे, हम आपके हो चुके हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं इलायची जी, और अगर आप अपने दिल के किसी कोने में हमें छोटी सी भी जगह दे देंगे तो हम अपनी पूरी जिंदगी उसमें बसा सकते हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? अरे छटंकी के भांजे बने तो मर रहा तू, अब तुझे बताऊंगा कि मैं कैसा आदमी हूं, जानता नहीं है तू मुझे अच्छी तरीके से। ए तू मत बोल, इस वक्त दिमाग फिरना है, छटंकी के दादा बोलेगी तुझे, इस वक्त चुप रहे तू, कहां भाई, क्या कर रहा है? अरे मामा रुक जाओ यार। हां क्या बात है, क्या बात है? पूरा सीन खराब कर दिया आपने हमारा। सीन खराब कर दिया मतलब क्या तेरा? अरे यार स्कूल में प्ले होने वाला है, हीरा रांझा, उसी की प्रैक्टिस कर रही थी मैं जीजा जी के साथ, और आपने ऐवें ही आके जड़ दिया उन्हें। अरे अच्छा नाटक चल रहा था, नाटक चल रहा था, जब भी तो मैं कहूंगी पंचम अपनी औकात से ज्यादा कैसे कूद सकता है, माफ कर देना यार मेरे, जरा हमारी इकलौती भांजी थोड़ा जज्बाती हो गए थे, अच्छा माफ कर देना भैया। अरे यार मेरे, हमारे छाती के बाल निकाल दिए इन्होंने। हाँ? तो जीजा जी वैसे ये प्रपोज तो अच्छा मारा है आपने, और जो ये छटंकी जी ने हमें चाटा मारा है उसका क्या? इलायची जी बस हो गया, बस बस करिए अब।
वो वीडियो को डिलीट करिए, खत्म करिए बात, बस। इलायची जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ बोलिए, हम वो करेंगे जो भी आप कहेंगे। हैंड्स अप। हाँ प्लीज प्लीज। वेरी गुड, डिलीट कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा पहले। क्या? मैं सुनो ना, आपकी बसाती में लड़का बन के आएंगे और पंचम भाभी और आप दोनों लड़की बनना और हमारा वेट करना और फिर होगा दूल्हा दुल्हन का खेल। बोलो मंजूर? वरना सोचो ये वीडियो तो पापा के पास गई। हो गया राजी जी, ये भी कोई मजाक का समय है। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। राजी जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजाजी। वही तो इलायची जी। इलायची संजय। इलायची संजय। इलायची जा दोपट समोसे लेके आ। अरे यार आओ, टनाटन टनाटन बजाए जा रहे हैं इतने। ओहो अरे हाथ और यहाँ। ओहो आजा छोटे, आजा आजा, रो मत, यहाँ बैठ, बैठो छोटे, बैठ ना, यहीं बैठ जाओ। हाँ यहीं बैठ। ये बता सब खैरियत है, इस वक्त क्यों आया बता दो। अरे सेठ जी कुछ मत पूछो, मतलब क्या हो गया जी अचानक, मतलब कुछ भी ठीक ना है, मेरे मौसा है ना। हाँ अरे तो क्या क्या कौन सी घटिया भविष्यवाणी कर दी उन्होंने मौसा ने। अरे इस बार तो मेरे मौसा की खुद की कुंडली धोखा दे गई, कसम से कह रहे हो सेठ जी, अस्पताल में ऐसे लेटे हैं, मतलब बिछे हुए हैं बिल्कुल बिस्तर पे, बस एक ही बात की जट लगाई है कि बस एक बार मुरारी को देख लूं, मुरारी को देख लूं, मुरारी। अरे नहीं बाबू वो ठीक है, ये बता सुन तो ले हुआ क्या उन्हें। अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, मतलब ऐसा मेरा हाल देखा ना जा रहा है, एकदम धड़कने मौसा की तेज हो रखी है। अच्छा? सांसें एकदम सरपट तेज दौड़ रही है, मौसा एकदम गर्म माल हुआ पड़ा है। तू मौसा की बात कर रहा है ना? हाँ हाँ, मौसा का कैसा है कि बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत बुरा हाल हुआ है। ओहो सुन, तू चिंता मत कर तू, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात था, मेरे वहां जाने से मतलब कुछ फर्क पड़ेगा। अरे सेठ जी हाँ? एक बार तुम गए तबीयत खुश हो जाएगी है? तुम्हारे जाने से क्या है, मौसा तुम्हें देखेंगे तो उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, उनको थोड़ा सा आराम फील होगा। तुम चलो, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, तुम चलो, नहीं शो शुरू हो जाएगा। शो 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 तुम्हें शो सुनाई दिया? हाँ। मौसा सो जाएगा ये बोल रहा हूँ मैं, तुम लेट हो गए तो फिर मौसा फिर क्या, तुमको ही तो देखना चाह रही है। नहीं हाँ। चले जाएंगे ना, ना ना एक बार सुन सुन छोटे मौसा। अरे छोटे तू रो मत, सुन तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करता हूँ, कुछ पैसे ले लेता हूँ तो उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। बिल्कुल सही आइडिया सेठ जी, पैसे ले, जितना ज्यादा पैसे ले लेंगे उतना भाव देंगे वो लोग। है डॉक्टर को क्या मतलब, मरीज से कोई दिली लगाओ किसी का नहीं होता सेठ जी, जितने ज्यादा पैसे उतनी बढ़िया गद्दा देंगे, उतनी बढ़िया तकिया देंगे, चादर सफेद मिलेगी, एसी भी मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसे थोड़ा ले, पैसे लेके चलता हूँ मैं। अरे डॉक्टर के मुंह पे मार दूंगा पैसे, चिंता मत कर, ले लो। सेठ जी मौसा की तबीयत खराब ना है, असल में तो मैं तुम्हें मरीज बनाने आया हूँ, एक बार कल्लू चमन का तुम डांस देख लोगे ना, कसम से कह रहा हूँ मरीज हो जाओगे उसके। कल्लो 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 ना ना निकल लो, हाँ तो निकल लो जल्दी, एक मिनट रुक जा, चल 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 चल। भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना मच्छरदानी बना दी हो। ना मच्छरदानी ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुतुब मीनार पे किसी ने चादर डाल दी हो। सही लग रहा है यार, और मुंह चिपल चिपल, जाके दरवाजा खोल भाई, चल मेरे मुंह ना लगाकर, बोर मत कर लिया, अभी लड़की बनना है मेरे को। हाँ लड़की बनना है, वैसे तू बड़ा भारी मर्द है, खोल खोल। हाय, मैं हूं प्यारे और ये है मोहन, और क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए, हाँ नहीं तो। थैंक यू। आइए आइए, बैठिए बैठिए।
क्या लेंगी? क्या लेंगे? लेने तो आपको आए थे, लेकिन फिलहाल पानी से काम चला लेंगे। तो पानी लेके आएगा? जी लाता हूँ। लाती हूँ। पिंटू, हाँ जी, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्यासे को फिल्टर्ड वाटर मिल गया हो। फिल्टर वाटर ना, मैं तो एकदम ये समझो जैसे वो अपना बड़ा वाला हैंडपंप होता ना, उसका एकदम शुद्ध पानी हूँ। मतलब मैं ये कह रही थी कि मैं ना थोड़ी सी देसी हूँ। पिंटू जी सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। पानी आ गया, पानी दो जी। ये लीजिए। लीजिए प्यारे जी। थोड़ा अंदर बढ़ो। बड़ा अच्छा टच किया आपने। पिंटू जी, वो दो औरतें साथ में खड़ी रहे, मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप इधर आके बैठिए, आइए। हमको भी उधर मजा नहीं आ रहा था। हमको भी। पंछी जी, मतलब घुमा फिरा के बात करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो आप बताइए कि आप में ऐसी क्या खूबी है, मतलब ऐसी क्या बात है कि मैं आपसे शादी करने के लिए झट से हाँ कह दूं, मतलब टूट पड़ूं आप पे। सोचती हूँ मैं सोच रही हूँ अभी, और सोचने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पे भी जाएंगे हाथ में हाथ डाल के, आंख में आंख डाल के, तो क्या है ना कि हमें हमारी सुरक्षा करने की चिंता नहीं पड़ेगी। वो क्या है कि मैं सुरक्षा में बहुत अच्छी हूँ। हाँ नहीं तो हाँ, वो तो दिख रहा है, मतलब बॉडी, मतलब माशाल्लाह क्या फिगर है आपके। एक और बात पंछी जी, मैं ना बहुत ही रोमांटिक टाइप बंदा हूँ, और जो मेरी बीवी होनी चाहिए खातून मेरी, वो मेरे जैसी रोमांटिक होनी चाहिए है, तो क्या आप रोमांटिक हैं? है जी। बताइए, मतलब रोमांटिक है, मतलब रोमांस करना पसंद है कि नहीं है? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ, मुझे तो रोमांस बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे तो नस नस में रोमांस है, मुझे दर्द वाले गाने, ब्रेकअप वाले गाने, ऐसे गाने मुझे बहुत पसंद है। आई लव शाहरुख, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको पता है मैं एक से बढ़कर एक अच्छा गीत सुना सकती हूँ, और अगर एक बार ही मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं आपका हाथ छोड़ूंगी नहीं। हाँ नहीं तो तू एक बार डेमो दे के नहीं दिखाएंगे हमें? डेमो कैसे देना है? हाथ पकड़ के पंछी जी। ओफो, अगर हमने आपका हाथ एक बार ही पकड़ लिया तो इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं नहीं, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ क्या पकड़ लेता? हमारी भांजी का हाथ पकड़ेगा तो अरे तेरा हाथ काट के रख दूंगा मैं। कर रहा है तू? अरे चुप कर। मामा, क्या कर रहे हो? मामा, मैं तेरे तेरे ऐसे तेरे को धुंगा बता रहा हूँ मैं। नॉट टक कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी नहीं करने दोगे क्या? हाँ, नॉट टक कर रहे थे। अरे यार, तुम लोग नाटक भी ऐसे करते हो, मैं बिल्कुल असली का समझा, गच्चा खा गया मैं, बातें कर रहे हो। चलो कोई बात, मैं जा रहा हूँ। हाँ नहीं, मैंने ना पीट देना इसको। मैंने एलाइसी जी, बात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, बंद करिए ना ये नाटक को। बात आगे बढ़ने कहाँ दे रही हैं आप पंछी जी। ये जो आप ये सब कर रही हैं ना, ये गलत बात है। गलत बात है, आप हमारे भोलेपन का फायदा उठा रही हैं। मतलब हद होती है, अगर आपके यहाँ आपके किसी परिवार वाले को ब्लैकमेल किया जाएगा ना, तब जाके आप हमारा दर्द समझेंगी। अरे हंसी नहीं है? क्या आपको लगता
जमाने जब में कोई मुझे इलायची को ब्लैकमेल करेगा, व्हाट इज हाँ ठीक है आपको नहीं कर सकता, लेकिन आपके पापा को तो कर सकता है ना। खबरदार क्या पापा को बीच में मत लाओ, वरना पापा को ना यहाँ लाते हुए मुझे देर नहीं लगेगी, समझे ना जीजा जी। ओके ओके इलायची जी, वो हम माफी, वो बस गलती से सॉरी। पता मैं नाटक ना मतलब अभी के अभी खत्म करने वाली थी, लेकिन इतना मूड खराब कर दिया ना आपने मेरा कि मतलब दिल ही नहीं हो रहा कि नाटक खत्म करूं, मतलब इसलिए नाटक चलेगा आगे तक। और मैं और सुन्नू दूल्हा बनेंगे और आपकी बरसाती में आएंगे, और पिंटू भाभी जरा दो लहंगे चुरा लेना पापा की दुकान से, और आप बनेंगी एकदम गर्मा गर्म दुल्हन, फिर यहाँ पे सजेगी एक सेज और इलायची जी जलाओ मत। मुंह दिखाई के लिए कह रही हूँ, बिना आवाज सुनो ना चलना शुरू कर दे। व्हाट इज रॉन्ग विद यू जी? एवरीथिंग, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ ओके ओके हो रखे जी हो रखे, तैयार रहना पंछी डार्लिंग। चल चलो बाय 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 बाय। अरे रुको यार, शो चालू है अंदर, रुको रुको, शो चालू है, खत्म हो जाएगा फिर। अरे यार सेकंडरी तो ये देखो गदर मची हुई है शो की। अरे क्या है, हाँ तो क्या ऐसे कर रहा है, मेरे पास भी है दो टिकट, बड़ा बात कर रहा है। अबे साल एक बार था तेरा मौसा, ऐसा कौन सी रंगीन बीमारी से वो हो गया ग्रसित जो यहाँ भर्ती हो गया वो। अरे सेठ जी एक तो मेरा धन्यवाद दो फ्री फंड में, चवन्नी तुम्हारी खर्च नहीं हुई, इतना बढ़िया शो दिखा रहा हूँ फ्री में। सर मैंने तुझसे साफ साफ बोला था कि मैं ना जाऊंगा, फिर भी तू मुझे यहाँ ले आया। अरे वो तो तुमसे ना समझी में अचानक निकल गया मुंह से, वरना तुम्हारा सयाना दिल तो यही मर रहा था आने को। तो एक बार बताऊ छोटे, तू मुझे ना झूठ बोल के लाया है यहाँ, ये तूने बहुत गलत किया बता रहा हूँ मैं। एक मिनट, सही गलत का फैसला हो जाएगा, एक बार शो तो देख लो, कसम से कह रहा हूँ ऐसे झुक के सलाम करोगे कमाल की चीज है ये, एक बार देख तो लो शो। मैं ना देख रहा ये शो है था चटोरा जो मैं जाने वाला हूं। एक सेकंड, ये कैसी, कितने मन से मैं तुम्हें लेके आया हूँ, तुम मेरे मुंह पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या मेरी औकात दिखा रहे हो क्या बार बार? मैं मान रहा हूँ मेरे से गलती हो गई, मुझे झूठ बोल के नहीं लाना था, सो ही तो दिखाने आया हूँ, ऐसा कौन सा पार टूट पड़ा? तुम बार बार मेरी औकात दिखा रहे हो कि मैं एक छोटी सी बाल काटने वाली दुकान का मालिक हूँ, तो इतनी बड़ी लहंगी बंसल 420 के बहुत बड़े मालिक हो, लाखों रोज कमाते हुए मान रहा हूँ, मैं 100-200 रुपए रोज के कमाता हूँ, मेरे साथ शो देखने में शर्म आ रही है ना तुम्हें, दिखा दी दोस्ती, मैं छोटा आदमी तुम बड़े आदमी, लखपति हो गए करोड़पति हो गए। अरे चल ठीक है, तुम बार बार मुझे एहसास कराते हो कि मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे साथ शो देखने में शर्म आ रही है। अरे रुक जाना, तू क्यों मेरा शो कर रहा है, मुझे खून का रिश्ता ना है ना। चल ठीक है देख रहा हूँ मैं, चल निकाल टिकट निकाल, अंदर ना जाना है, दिल से चल रहा है, चल रहा हूँ। अरे हट जाओ, अरे तू घुस ही ना पाया अब तक टिकट लेके, ऐसे ऐसे कर रहा है, भाग यहाँ से। अरे खोलो भैया, अरे दरवाजा खोल खोल, अरे आ सेठ जी हट हट जाओ, अरे सेठ जी लहंगे की दुकान, लाखों का कारोबार, अरे ये तो बड़ा आसामी है। खुशखबरी है, कल्लो चमन को देता हूँ। हाँ अरे तू मेरा ओए होए, अरे मैं मेरी बात सुन, हो रहे यार तू, मैं क्या कह रही हूँ, लोग तरसते हैं कि कल लोग एक नजर उन पे पड़ जाए, और तुम्हें तुम्हें तो स्पेशल आदाब चल रहे थे उसके, ऐसे घूरे जा रही थी तुम्हें, कसम से कह रही हूँ, मतलब जितने भी आए थे ना देखने हैंडसम लग रहे थे तुम्हें, बार बार घूर रही थी। अरे ठीक है सुन एक बात बताऊं तुझे, उसकी नजर पड़ गई मेरे पे इसलिए उसने सलाम कर ली और कुछ ना था। शादी करवा दूं सीधी, सेठानी को बता दूं तलाक हो रहा है उसका, शादी करने के चक्कर में हो गया, बेकार की बात कर रहा था, कुछ ना सोच रहा था मैं। अरे सेठ जी रुकिए रुकिए, सुना है आपके लहंगे की दुकान है? हाँ भाई लहंगे की दुकान है। हाँ आप बताओ क्या काम है भाई? वो कल्लो चमन मैडम है ना, वो आपको बुला रही है, कुछ लहंगे महंगे का ऑर्डर देना था। अच्छा हाँ छोटे देख रहे तू, यहाँ नाच गाने के साथ साथ मेरी दुकान भी खुल गई। सेठ जी
मतलब बड़े लगी हो तुम तो, मतलब सुनो बहुत बढ़िया मौका है, इस बहाने मैं भी कल्लू की दीदार कर लूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। अरे तुम कहाँ घुस रहे हो अंदर है? तुमको थोड़ी बुलाया, सेठ जी से कुछ काम की बात करनी है। जब बाल कटवाना होंगे ना तो तुमको भी बुलावा भेज देंगे। आइए सेठ जी आइए। हाँ चलो आइए आइए आइए। सुन छोटे एक बात आऊ, तेरे होते हुए मतलब ये सब हुआ है, मतलब समझ ले तू मेरे लिए कितना लगी है, इतना बड़ा जो है लहंगों का मुझे ऑर्डर मिलने वाला है, कल सुबह आऊंगा तेरी दुकान पे मिठाई लेके आऊंगा। अरे मेरी तो सुन लो, हम अंदर जा रहे हो लेकिन सिर्फ काम धंधे की बातों में नाटक जाना, मतलब कारोबारी की बात ना करना, एक काम करना। हाँ। तू ना मतलब मैं बता रहा हूँ तेरा दिमाग जो है कहाँ से कहाँ चल रहा है, सिर्फ लहंगे की बात करूंगा, धंधे की बात अपना समझ रहा है। चल चल जा जल्दी, मैं यही हूँ। अरे भैया आ जाओ।